हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। तो बन रहा है यहाँ पे खोया, क्योंकि आपको मालूम चल गया होगा लड्डू बनने वाला है सूजी का। तो खोया बन के हमारा तैयार हो गया है, साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी हमने काट के रख लिए हैं जिसमें बादाम है और काजू है। यहाँ हमारी सूजी और चीनी भी तैयार है। सूजी को घी में डाल करके पका दिया जा रहा है। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए होगी तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे उतना कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, जिसमें खोया बना था उसी में चीनी का पाक बनाया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, एक तारने का ही पाक बनेगा, एक तारनी नहीं, एक तार का ही पाक बनेगा। उसके बाद हम जो भी अपने सूजी को भून के रखे हैं ना ड्राई फ्रूट के साथ, उसको उसमें डाल देंगे। सूजी को चाशनी में डालने के बाद अच्छे से हम चला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खोया, और दोनों प्रोसेस में ही कुल मिला करके हमें 5 मिनट लगे होंगे। 5 मिनट तक इसे भून लिया था, फिर इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद ही तो लड्डू बनेगा। सूजी हमारा हल्का ठंडा हो चुका था, तो मम्मी ने क्या किया कि उसका लड्डू बांध करके रख दिया। इसका कल शुभ भोग लगने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसे मंदिर में रख रहे हैं ताकि कोई टच ना कर सके। हमें आज रात को भिंडी भी काटनी है, तो भिंडी को धो करके अच्छे से रख देंगे ताकि 1-1.5 घंटे में इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए और सूख जाए। भिंडी अपना सूख रहा है, तब तक मैंने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना लिया है। क्योंकि ड्राई फ्रूट पाउडर घर पे रहता है ना, तो पैनकेक में डाल दो, हलवे में डाल दो, किसी भी चीज़ में डाल दो, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो नॉर्मल सा ड्राई फ्रूट पाउडर बना रही हूँ मैं। जितने भी घर में ड्राई फ्रूट्स थे सब कुछ डाला है इसमें। पहले मखाने को डाल करके हल्का भून लेंगे, हल्का क्रिस्पी होने तक। उसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके, मतलब बहुत ज़रा ज़रा सा भूनेंगे। मखाना ज़्यादा भुनाता है, लेकिन बाकी जो काजू होता है, अखरोट होता है, ये सब बहुत हल्का भुनाता है। मखाने को ना भूनने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा तब तक बूंदी का तैयारी कर लेते हैं। तो बेसन को मैंने एक चलनी में डाल दिया, जैसे हम लोग चाय छानते हैं उससे, इसको हिला हिला के चम्मच की हेल्प से इसको हम लोग स्ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा करने से ना आपकी जो बूंदी होगी वो बहुत फुली फुली बनेगी और बहुत अच्छे शेप में बनेगी। बेसन में ना जब भी आप छान ले उसके बाद ही नमक मिलाए, उसके पहले मत मिलाइएगा, क्योंकि जब आप चाय छन्नी से छानते हैं ना तो नमक उसके ऊपर ही रह जाता है। हमारा ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये बूंदी का बैटर बना के रेडी कर लेंगे। तो बस ना हल्का हल्का पानी डालते जाएगा, कोई क्वांटिटी नहीं होती है पानी की, मैं सच बताऊँ तो। बस हल्का हल्का खुद से आपको ऐड करते जाना है। जब ऐसा टेक्सचर आ जाएगा ना, स्लरी टेक्सचर, मतलब जब आप डालोगे जैसे लाइन से गिर रही है, तब तक आपको इसको घोलना है। और मेरे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए, तो मैं फटाक से इनका पाउडर बना ले रही हूँ। इसका पाउडर आपको ऐसा ही एकदम बारीक बनाना है ताकि बच्चों के मुँह पर आए और मालूम भी ना चले कि वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ये बंद करके रख दो आप, तो आराम से आपका 1 महीना तक चल जाता है। अब आ गई है मेरी फेवरेट बूंदी बनाने की बारी। तो कुछ नहीं, कढ़ाई में तेल गरम करना है बहुत तेज आंच में। उसके बाद आप इसमें इसे छलने की सहायता से बेसन डाल देना, और बेसन से टप 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 करके बूंदी नीचे तेल में गिर जाएगी। और जब आप बूंदी डाल दिए ना, उसके बाद आपको गैस का आँच कम कर देना है, ठीक है, मतलब एकदम लो कर देना। उसके बाद इसको आप धीरे धीरे चलना, ये ना बहुत जल्दी तल जाता है और बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा होता है ये। तो हो गई है रात, हमने काट के रख ली है भिंडी, बादाम भिगो के रख दिया है, बूंदी हमारा बनके तैयार है रायते के लिए, तुरई भी काट के रख लिया है, और साथ ही उड़द दाल और मूंग भिगो के रख दिया है कचौड़ी बनाने के लिए।
सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आ चुके हैं अपने किचन में। तेल चढ़ा दिया है सब्जी के लिए और एक सब्जी को डाल दिया है, मतलब भिंडी बनाने को चढ़ा दिया है। आलू उबल चुके थे अभी तक, टमाटर का भी, टमाटर अदरक मिर्ची का भी हमने पेस्ट बना करके रख लिया था। कढ़ाई चढ़ी हुई है आपने देख लिया है। खीर के लिए चावल भी हमने भिगो के रख दिया है। यहाँ पे बादाम भी कट के रखा गए हैं। अब बस बारी है फटाफट से सब्जी बनाने की। इस दिन हमारे घर में हमेशा मूलीकस बनता है, तो मूलीकस के लिए गाजर क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, मूली और खीरा अदरक मिर्ची को अच्छे से घस के रख लेते हैं, उसका पानी निकाल के रख लेते हैं, फिर उसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं, फिर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और उसको अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल करके उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। फिर अगर आप इसको बाहर रखोगे ना तो ये और पानी छोड़ देगा। सब कुछ मिला जुला करके आप इसको फ्रिज में डाल के रख दो। ये जो कचौड़ी है ना, ये मेरी तो एकदम पर्सनल फेवरेट है। कुछ नहीं है, आटे में आपको सौंफ, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च का पाउडर, हींग, नमक मिला लेना है। उसके बाद उड़द दाल, हमने इसमें उड़द और मूंग दोनों ही पीस के मिलाया है। जनरली ये उड़द दाल का ही बनता है, तो उड़द दाल में हमने यहाँ पे मिर्ची और अदरक डाल के पीसा था, तो आटे में इससे जो हमारा उड़द दाल है ना उसको मिला देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बस इस दाल से ही पूरी कचौड़ी का आटा लग जाता है, जब अगर नहीं लग पाता है तो ये जो ग्राइंडर है ना इसी में हम पानी मिलाते हैं और इसके हेल्प से कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। पूड़ी का आटा और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि पूड़ी का आटा बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो कचौड़ी का आटा होता है वो हल्का सा ढीला होता है, मतलब हल्का सा गीला रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम टाइट कर दो, एकदम टाइट कर दो कि कचौड़ी के आटे को, तब तो फिर गए भगवान जी, मतलब अच्छे से नहीं बन पाता है। अगर आटा ऐसा ही रखोगे तो एकदम मस्त वाला बन जाता है। जब आपका ये आटा लग जाना तो उसमें हल्का सा रिफाइन तेल लगा करके फिर ढक करके रखना। तो मेरा आटा अच्छे से लग चुका था, फिर हम चले गए थे पटाख से नहाने के लिए। मुझे ना पता नहीं क्यों पूड़ी बनाने से ना हमेशा ही डर लगता है, क्योंकि मैं बचपन में ना बहुत खतरनाक तरीके से जल गई थी पूड़ी बनाने के कारण, तो अभी भी वो डर बैठा हुआ है। और प्लस क्या था ना कि कभी कभी फूलता भी नहीं था मेरे से पूड़ी, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था पूड़ी के ऊपर कि फूल क्यों नहीं रहा। और मेरे को फूली फूली पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, स्पेशली पूड़ी का फूला हुआ छिलका होता है ना ऊपर का लाल लाल, वो चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता था मेरे को। लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए मेरे को लगता है, तो पूड़ियाँ फूलने लगी और जलने में हम मतलब कम जलते हैं आजकल। तो हमारी सारी पूरी कचौड़ी तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म। अब हम अपना थाल भी लगाने वाले हैं खाने के लिए, और बहुत ही अच्छा खाना बना था, लड्डू भी बहुत टेस्टी बना था। सॉरी आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई आपसे वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।